खबर सामने आ रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। शरद यादव की बेटी ने खुद ट्वीट करके उनके निधन की ये जानकारी यहां पर दी। शरद यादव का गुरुग्राम के अस्पताल में निधन हुआ है, इलाज उनका यहां पर चल रहा था, लेकिन ये दुखद खबर आ रही है, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव अब नहीं रहे। उनकी बेटी ने इस खबर की यहां पर पुष्टि भी की है। 75 साल के वो थे और 75 साल की उम्र में शरद यादव ने अंतिम सांस यहां पर ली है। नीरज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव थे, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रहे, उनकी बेटी ने खुद इस दुखद खबर की जानकारी ट्वीट कर दी। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आज ही दोपहर तक उनकी तबीयत ठीक थी, दोपहर के बाद थोड़ी तबीयत में खराबी हुई, फिर उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया और वहीं निधन हुआ है। आधिकारिक तौर पे जानकारी फोर्टिस अस्पताल की तरफ से थोड़ी देर बाद दी जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन उनके करीबियों से बात हुई, उनकी बेटी ने फेसबुक पोस्ट किया है और उसमें इस बात का जिक्र किया कि उनके पिताजी नहीं रहे। देखिए, शरद यादव के करियर की अगर बात करें तो 75 साल के अपने जीवन में उन्होंने एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया था और सबसे लंबा करियर उनका जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में रहा। जबलपुर से 1974 में पहली बार लोकसभा के लिए जीते थे और बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1981 में जब राजीव गांधी अमेठी से उपचुनाव जीते थे, लोकसभा में पहुंचे थे, तब भी शरद यादव लोक दल के टिकट पे उस सीट से तब हारे थे। 7 बार लोकसभा के लिए, 3 बार राज्यसभा से वो सांसद चुने गए और इसके अलावा जेडीयू के अध्यक्ष तो थे ही, एनडीए के कन्वेनर भी रह चुके थे। अंतिम क्षण में, आपको याद होगा, 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया और वो पार्टी बहुत सफल नहीं रही और उसके बाद आरजेडी में वो शामिल हुए। उनकी बेटी कांग्रेस का दामन थाम चुकी थी, लेकिन शरद यादव का एक लंबा करियर, खासकर एनडीए के कन्वेनर के तौर पे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब मंत्री थे और उसके पहले जनता दल और लोक दल में उनका एक लंबा करियर रहा है। तो एक बड़े राजनेता का निधन कहेंगे, जिनकी एक छवि थी, समाजवादी विचारधारा से आते थे और आज उनका निधन हुआ है फोर्टिस अस्पताल में, गुड़गांव के, 75 साल के थे। जी बिल्कुल नीरज, जो समाजवाद वाली जो राजनीति थी उसके चलते वो जनता के मन में एक पैठ बना चुके थे। शायद यही वजह है कि बिहार की राजनीति में भी उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस सियासी सफर में कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। समर्थकों की एक लंबी फहरिस्त हमेशा उनके साथ यहां पर रही है, लेकिन जिस तरह से दोपहर तक में भी लग नहीं रहा था अचानक से ये होना, क्या भी थोड़ा इंतजार यहां पर किया जाए? हालांकि उनकी बेटी ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है, पर फिर भी किस तरह से अचानक से उनकी सेहत बिगड़ी, इस बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल, उनके करीबियों से अब से थोड़ी देर पहले बातचीत हुई इस फेसबुक पोस्ट के आने के बाद। उनकी तरफ से बताया गया कि दोपहर तक ठीक थे, छतरपुर में रह रहे थे, हालांकि किडनी से जुड़ी परेशानियां उन्हें होती रहती थी। जब अपने यहाँ दिल्ली में जब लुटियंस दिल्ली में रह रहे थे तब भी उन्हें कई बार शिकायतें होती रही थी, जब हमारी भी मुलाकात उनसे होती थी, और कई बार तो कुछ महीने हमें इंतजार करना पड़ा उनकी तबीयत खराब होने की वजह से। और अभी छतरपुर में रह रहे थे, किडनी में खराबी थी, उसका इलाज उनका चल रहा था, लेकिन आज वो ठीक थे। आफ्टरनून में, यानी दोपहर में के बाद उन्हें कुछ दिक्कतें आई और फिर परिवार वाले उन्हें फोर्टिस अस्पताल लेकर गए। ये जानकारी आधिकारिक तौर पे कितने बजे अस्पताल ले जाया गया इस बारे में अभी उनके करीबियों की तरफ से नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ, ये खबर की जानकारी उनकी बेटी ने और उनके करीबियों से भी हमें मिल गई है कि गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ है और बीमार चल रहे थे, लेकिन आज सुबह तक या दोपहर तक उन्हें किसी तरह की शिकायत नहीं थी और अनकॉन्शस हुआ और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनका निधन हुआ। नीरज, कहा जा सकता है कि परिवार के लिए तो ये बेहद दुखद क्षण है ही, साथ ही राजनीति में भी एक अपूर्णीय क्षति इस वक्त कही जा सकती है। देखिए, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश से चुनाव जीते थे, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, बिहार के मधेपुरा सीट से 4 बार हारे भी और 4 बार जीते भी, राज्यसभा में जिन पार्टियों में रहे उसका प्रतिनिधित्व किया, जेडीयू जो कि एनडीए की एक महत्वपूर्ण ज्यादातर वर्षों तक अलायंस में रही थी, तब एनडीए के कन्वेनर थे, फिर जेडीयू ने जब नाता तोड़ा तब भी नीतीश कुमार के साथ थे, नीतीश कुमार से उनकी पट्टी नहीं, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, हालांकि वो पार्टी सफल नहीं हो सकी, न तो चुनावी तौर पे न तो जनता के बीच में, बाद में वो खुद आरजेडी में शामिल हुए, तब
तेजस्वी यादव की मौजूदगी में शामिल हुए थे यहीं दिल्ली में। लेकिन एक लंबा राजनीतिक करियर समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में लोक दल से लेकर जनता दल से लेकर जयप्रकाश नारायण ने उन्हें पहली बार जबलपुर से जब वो चुनाव लड़े थे हल्दर किसान का जो चुनाव चिन्ह था पहला टिकट उन्हें दिया था उस चुनाव चिन्ह पे और वहां से वो जीते थे, दूसरी बार भी जीते थे। युवा लोक दल के अध्यक्ष थे और युवा लोक दल के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने चुनाव जीता था। और आप उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का राजनीतिक जीवन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई भी नेता संसद में 10 बार 7 बार लोकसभा के लिए और 3 बार राज्यसभा के लिए पहुंचता है तो उनके राजनीतिक छवि का अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी हाल के वर्षों तक उन्होंने विपक्ष को जोड़ने की खूब कोशिश की कि विपक्ष एकजुट हो। विपक्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 2018 में जब उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया जेडीयू से अलग हटकर तो उनकी कोशिश थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को जोड़कर मौजूदा सत्तासीन पार्टी और सत्तासीन सरकार को चुनौती दी जाए। हालांकि उसमें वो कोई कामयाब नहीं हो सके और अंतिम तौर पे खुद आरजेडी में शामिल हो गए और उनकी बेटी कांग्रेस में शामिल हो गई। लेकिन हाँ, उनकी पुरजोर कोशिश थी कि एक विपक्ष की आवाज हो और किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज का महत्व होता है और उनका आधार राजनीतिक तौर पे इतना व्यापक था और इतना लंबा रहा है जिसकी कमी खलेगी आने वाले दिनों में विपक्ष के तमाम नेताओं को और न तो न सिर्फ विपक्ष के बल्कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को भी खलेगी क्योंकि एनडीए के कन्वेनर के तौर पे जब थे तो वो बीजेपी के साथ थे और मंत्री भी जब थे तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। तो ये तमाम चीजें जो है वो बहुत ही अहम रही है उनके राजनीतिक करियर की। तो एक शून्य जरूर कहेंगे राजनीतिक जो राजनीतिक जीवन उनका रहा है और राजनीतिक जीवन में उनसे जुड़े जो लोग हैं उन्हें जो जानते उनके लिए एक शून्य जरूर है। और अब लगातार दूसरे नेताओं की तरफ से जैसे जैसे आधिकारिक तौर पर जानकारी आएगी या जैसे जैसे खबरें उनके करीबी नेताओं तक पहुंच रही है तो उनकी तरफ से श्रद्धांजलि भी आएगी। लेकिन एक बड़ी क्षति कह सकते हैं, बीमार चल रहे थे, राजनीतिक सक्रियता उतनी अब नहीं थी लेकिन उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव तक ये भरपूर कोशिश की थी कि विपक्ष को एकजुट किया जाए और इसी मंशा से अपनी राजनीति को उन्होंने अभी तक जारी रखा था। लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ है। आज अचानक तबीयत बिगड़ी। जो न्यूज 18 इंडिया पे अभी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें एक बार फिर बता दें कि शरद यादव जो कि लोक दल से जुड़े थे, जनता दल से जुड़े रहे थे, फिर जेडीयू के बतौर अध्यक्ष लंबे समय तक रहे, एनडीए के कन्वेनर के तौर पर उन्होंने काम किया, अब वो हमारे बीच में नहीं है। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अमिताभ जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमिताभ जी, क्या कुछ कहा जा सकता है? बेहद दुखद खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष, सियासत का पूरा एक युग उन्होंने ना सिर्फ देखा बल्कि उस अनुभव को जनता के बीच में पहुंचाया भी। एक अपूर्णीय क्षति। बिल्कुल अपूर्णीय क्षति। एक समाजवादी नेता, एक ऐसा नेता जिसने कई पीढ़ियों की राजनीति यहां पर देखी है। कांग्रेस राज को खत्म करके जब इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी का राज आ रहा था तब शरद यादव एक युवा नेता के रूप में काफी सक्रिय थे। उसके बाद जब आपको याद होगा वीपी सिंह जब कांग्रेस से लड़कर अलग हुए थे वीपी सिंह, तब उनकी सरकार बनी थी, उस समय शरद यादव केंद्र में मंत्री बने थे। शरद यादव का एक लंबा करियर रहा है राजनीति का। मध्य प्रदेश के जबलपुर से उठकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वो देश की राजनीति में आया और बिहार से चुनाव लड़कर जीते। मध्य प्रदेश से पढ़ाई की जेडीयू नेता राजीव रंजन जी भी हमारे साथ मौजूद है। राजीव जी, एक अपूर्णीय क्षति राजनीति में यहाँ पर हुई है, हालांकि लग नहीं रहा था कि अचानक इस तरह से चले जाएंगे शरद यादव, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, उनकी सेहत पहले से बेहतर हुई थी और राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी सक्रियता भी बढ़ी थी, इसीलिए ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और स्तब्धकारी घटना है। भारतीय राजनीति में समाजवादी आंदोलन के पुरोधा के तौर पर जो उनका 4.5 दशकों का सफर है, आज वो भले ही ठहर गया लेकिन अलग अलग जो जीवन के पड़ाव और उससे जो लोग उनके साथ जुड़े रहे हैं उनके गहरे संस्मरण उनके साथ जुड़े रहे और जिन जो भी उनसे जुड़े उन्होंने जीवन भर उनके साथ रिश्ता बनाए रखा है। तो निसंदेह हम लोगों ने अपना अभिभावक हुए और बिहार के साथ तो निसंदेह उनके रिश्ते, मध्य प्रदेश में जन्म उनका हुआ, उत्तर
से सांसद रहे, लेकिन बिहार को हम लोग उनकी कर्म भूमि मानते हैं। अब बिहार के साथ जो उनका गहरा जुड़ाव था, उनकी कमी बराबर खड़े। एक अनुभवी नेता, एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने अनुभव को जनता के बीच में भी पहुंचाया, राजीव जी क्या कुछ कहा जा सकता है? अपुण्य क्षति तो यहां पर है ही, लेकिन एक सियासी, एक राजनीति के उस युग को उन्होंने देखा और समझा, कई पार्टियों से जुड़े रहे, समाजवाद वाली विचारधारा को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया, बिहार की राजनीति में खास पैठ रही, जनता के बीच सीधा वो पहुंचे, ऐसे में कहा जा सकता है कि ये भरपाई हो नहीं पाएगी? निसंदेह नहीं हो पाएगी, इसलिए कि 1989 का चाहे लोकसभा का चुनाव रहा या 90 में जब यहाँ जनता पार्टी जनता दल की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, यहाँ लालू जी मुख्यमंत्री हुए, इन सभी फैसलों में शरद जी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। एक साथ उनके वीपी सिंह से भी बहुत अच्छे रिश्ते थे, देवीलाल जी के तो अत्यंत करीब थे, और नीतीश कुमार जी, लालू जी, मुलायम सिंह जी, इन सबों के साथ जो समाजवादी नेतृत्व का जो शिखर था उसके बीच वो सेतु का काम करते रहे, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन राज्यों में काफी मजबूत बुनियाद समाजवादी मूल्यों का उन्होंने डालने का प्रयास किया। इसलिए वो कहीं ना कहीं जो रोम रोम में उनके विचार और जो उनका किया हुआ कार्य है वो सबके अंदर समय। राजीव जी, छात्र राजनीति से संसद तक का उन्होंने सफर तय किया, एमपी और यूपी से लेकर बिहार तक शरद यादव का जो सफर रहा है, उतार चढ़ाव भरा रहा, ऐसे में कहा जा सकता है कि जब भी एक अनुभवी दिग्गज जनप्रतिनिधि जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक दिशा और दशा तय करने वाले, खासतौर से विपक्ष को एकजुट करने की भी कोशिश भरपूर उनकी तरफ से यहां पर होती रही है, एक ऐसी क्षति हो जाती है जिसे वाकई इतिहास के पन्नों में जाकर समझना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो अनुभव है जो आने वाली पीढ़ी जो खासतौर से सियासत से जुड़ती है उसके लिए एक खास मिसाल भी वो रहे। देखिए निसंदेह लोग तो आए, ज्यादातर लोग 89 ये 77 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के घर से निकल करके, लेकिन शरद जी तो उसके पहले जबलपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी हुए और उसके पहले सांसद हो चुके। शरद जी पहली कतार के उन युवा नेताओं में थे जिन्हें आप कह सकते हैं कि शेष पर बैठे नेताओं के साथ जिनकी स्वीकार्यता सबसे ज्यादा, और उनके साथ एक वैचारिक तौर पर तो लोगों का जुड़ाव था ही, जो जुड़ते थे वो भावनात्मक तौर पर भी उनके साथ जुड़ जाते थे और उनके निजी रिश्ते उनके साथ बनते थे, जो आज की राजनीति में जिसका सर्वथा अभाव दिखता है। मुझे और जगह से भी कॉल आ रहे हैं। तो राजीव रंजन जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि किस तरह से राजनीति की पहली सीढ़ी कही जाने वाली जो छात्र राजनीति होती है, वहीं से शरद यादव ने अपने सफर की शुरुआत की और सियासत के पूरे युग को यहाँ पर जिया भी, अनुभव भी किया, कई उतार चढ़ाव इस दौरान उन्होंने यहाँ पर देखे, मध्य प्रदेश और यूपी से लेकर बिहार तक का उनका ये सफर जो है वो कई उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि और निखरते चले गए और मजबूती के साथ यहाँ पर दिखते चले गए। नीरज हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज क्या कुछ यहाँ पर कहेंगे? वो सफर आज आंखों के सामने आ रहा है जो उन्होंने तय किया है, जो ये बताता है कि सफर को कभी भूला नहीं जा सकता है। देखिए बिल्कुल सफर को भूला नहीं जा सकता, और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस की सरकार तत्काल 74 में जब जेपी मूवमेंट था तब कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने जिस आंदोलन को चलाया था और उसमें उन्हें जबलपुर से टिकट दिया था 74 में और तब वो जीते थे, हलदर किसान चुनाव चिन्ह हुआ करता था, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो पहले ऐसे नेता थे, पहले उम्मीदवार थे जो उस चुनाव चिन्ह पे जिनको जयप्रकाश नारायण ने चुना था, तब के वक्त में जयप्रकाश नारायण का शरद यादव को चुनना ये अपने आप में साबित करता है कि उनका उनकी शख्सियत तब कैसी रही होगी, और इतने लंबे राजनीतिक करियर में 74 से पहले थोड़ा और उस समय से लेके अब तक करीब 50 वर्षों का राजनीतिक करियर था, 2019-20 से थोड़े कम सक्रिय थे, 2019 तक बहुत सक्रिय थे, उन्होंने कोशिश की थी कि एक बार फिर विपक्ष को एकजुट किया जाए, और देखिए उनकी राजनीति को अगर देखिए, कभी कांग्रेस के खिलाफ अपनी राजनीति करने वाले, फिर बीजेपी के साथ चलने वाले समाजवादी विचारधारा वाले नेता जिनका
एक राजनीतिक जो विस्तार था वो कई राज्यों तक था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से तो चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके अलावा कई विपक्षी दलों के नेता उन्हें पसंद भी करते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में भी रहे, लेकिन उसी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की। तो कह सकते हैं कि सत्ता सभी पार्टियों के साथ, जो देश की मुख्य धारा की दो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश उन्होंने बार बार की अपने राजनीतिक जीवन में, और लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे, तो विपक्ष के लिए एक बड़ी क्षति कह सकते हैं, भारत के राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति कह सकते हैं। कुछ समय से बीमार जरूर चल रहे थे, शारीरिक तौर पे भी वो कमजोर दिख रहे थे, अंतिम क्षणों में, अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम क्षणों में कह सकते हैं, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने आरजेडी का दामन थामा था और आज उनका निधन हुआ गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में। लेकिन भारतीय राजनीति के लिए और के लिए अपूजनीय क्षति कहेंगे शरद यादव के निधन को। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक इस तरह से अलविदा वो कह देंगे, क्योंकि सेहत तो खराब चल रही थी, कुछ दिक्कतें थी शारीरिक तौर पर जिनका इलाज भी वक्त वक्त पर जारी था, पर अचानक से वो अलविदा कह देंगे और आज भारतीय राजनीति समाजवादी वर्ग की एक बुलंद आवाज जिसे हर किसी ने यहां पर सुना समझा, वो इस तरह से खामोश आज हो चुकी है। किसी ने अचानक से ये खबर इस वक्त आएगी सोचा यहां पर नहीं था। नीरज, कहा जा सकता है कि भले ही उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की राजनीति में न सिर्फ वो दाखिल हुए बल्कि अपना परचम भी लहराया, जो उतार चढ़ाव यहां पर आए उन्हें जिंदगी का अनुभव बनाते हुए वो आगे लेकर चले, अब ये दिशा निर्देश आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगी। देखिए, बिल्कुल, देखिए, एक बात उनके बारे में कह सकते हैं कि जब भी सत्ताधारी पार्टी मजबूत हुई और जब ये विपक्ष में थे तो विपक्ष को मजबूत करने में इन्होंने अपना एक अहम योगदान दिया, चाहे कांग्रेस के खिलाफ या फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी इन्होंने अपनी राजनीति को जारी रखा और हर बार, ज्यादातर बार सफल हुए। हालांकि अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम क्षणों में या जीवन के अंतिम क्षणों में मैंने बार बार बताया कि वो सफलता हासिल नहीं कर पाए, अपनी पार्टी का गठन तो किया लेकिन पार्टी से जिस तरह की उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन समाजवादी विचारधारा के थे, लोक दल, जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के साथ जिस तरह से केंद्र में सरकार चलाई, और थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि किसी भी नेता के राजनीतिक करियर कि अगर बात करें शरद यादव या दूसरे कोई भी ऐसे नेता जिन्होंने संसद का सफर 10 बार तय किया हो, 7 बार लोकसभा के लिए और 3 बार राज्यसभा के लिए, 3 राज्यों से, जो हमारी जानकारी है 3 राज्यों से तो उन्होंने चुनाव लड़ा, और 1981 का थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था जब अमेठी से राजीव गांधी उपचुनाव में जीत कर लोकसभा में पहुंचे थे, तब लोक दल के टिकट पे ये शरद यादव चुनाव हारने वालों में से थे। तो इनकी राजनीतिक अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि करीब 50 साल का राजनीतिक करियर था, अलग अलग वक्त में, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से, जो देश की परिस्थिति थी उस हिसाब से इन्होंने विपक्ष में रहते हुए या कई बार सत्ता में रहते हुए देश की राजनीति में अपना योगदान दिया। और चाहे आज की राजनीति की भी अगर बात करें तो सत्ताधारी पार्टी के नेता हो या विपक्ष में जो बड़े नेता हो, वो शरद यादव के योगदान को भारतीय राजनीति में नहीं भूल सकते।